Friends presents E for English Hindi में Lesson 9। आज Lesson number 9। चलिए देखते हैं आज मनोज और कविता जी कौन से प्रपोजिशन का खिचड़ी पका रहे हैं। तो हम कल कहाँ रुके थे? मैं आपको बोल रहा था कि my birthday is in June। हाँ, in June, जून में। इसी तरह दिन के अलग अलग समय के लिए इन जैसे आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग सुबह को। इन द मॉर्निंग आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग। गुड। मैं आफ्टरनून को दोपहर को सोता हूँ। आफ्टरनून आई स्लीप इन द आफ्टरनून। वेरी नाइस। हम सब इवनिंग यानी शाम को चाय पीने जाएंगे। इवनिंग वी विल गो टू ड्रिंक टी इन द इवनिंग। शाबाश। कबीर नाइट यानी रात को कॉल करेगा। कबीर विल कॉल इन द नाइट। बहुत खूब। अब नए शब्द यहाँ और वहाँ। हियर एंड देयर। हियर देयर जैसे यहाँ आइए। कम हियर। कम हियर। गो देयर यानी वहाँ जाइए। गो देयर। आई एम हियर और ही इज देयर। मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है। बिल्कुल सही। टी शर्ट यहाँ है मेरे हाथ में। ट्रांसलेट कीजिए। मैं यानी इन T-shirt is here in my hand. Phone is there. समझ गया कविता जी? तो चलिए आपका फेवरेट करते हैं प्रैक्टिस। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यानी what? What are you doing here? Very good. वो वहाँ सुबह को क्या कर रहा था? रहा था पुल्लिंग। What was he doing there in the morning? गीता शाम को सिनेमा जाएगी। गीता will go to the cinema in the evening. बहुत अच्छे मनोज। अब से मैं आपसे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बात करना शुरू करूंगी। आपको जब भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए और जितना हो सके इंग्लिश में जवाब भी देने का कोशिश कीजिए। पॉसिबल है? यस पॉसिबल। आई विल टॉक इन इंग्लिश। आई विल ट्राई। तो दोस्तों फाउंडेशन यानी बुनियाद तो बन चुकी है। अब से हम भी इंग्लिश में बातें करने की कोशिश चालू करते हैं। आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग। बाय। ट्रेंड्स गेट देम टॉकिंग।